हेलो दोस्तों, तो थ्योरी ऑफ मशीन में सबसे पहला वर्ड क्या है? वो है मैकेनिज्म। अरे मैकेनिज्म होता क्या है? ठीक है, मैकेनिज्म को आप जब लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे? अब मैकेनिज्म इज अ सेट ऑफ मशीन एलिमेंट्स, की कहता है कि मशीन एलिमेंट्स का एक सेट है, सेट मतलब ग्रुप, एक सेट है, अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लगाएंगे टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड मोशन, और वो एक स्पेसिफाइड मोशन देगा। स्पेसिफाइड मोशन का मतलब क्या है कि जैसा मोशन हम चाहते हैं वैसा मोशन वो मिले हमें। मशीन पे इतना भरोसा होता है ना मेरे भाई, स्पेसिफाइड मोशन हमें जो चाहिए वो हमें देता है, क्योंकि बनाने वाले ने ऐसा बनाया ना यार, ऐसा कहना चाहिए कि बनाने वाले ने स्पेसिफाइड मोशन उसको ऐसा बनाया, हमें उस पर यकीन होता है कि यहाँ पे मशीन पूरे फोर्स से ऐसे लगातार चल रही है। मान लो शेपर मशीन है, अब शेपर मशीन लगातार ऐसे चल रही है, आप उसके सामने खड़े हो जाओ कोई बात नहीं, आपको पता है कि इसका जो मोशन है यहां तक है बस, उसके बाद उसका मोशन आगे नहीं होगा, क्योंकि उसको आपको जो है उसके मैकेनिज्म पे बिलीव है, आपको थ्योरी ऑफ मशीन पे बिलीव है। तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से जोड़ेंगे कि एक स्पेसिफाइड मोशन मिले। अब स्पेसिफाइड मोशन मिलने के लिए क्यों ये फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये स्पेसिफाइड मोशन मुझे इस तरह से मिलेगा ऐसा काम करने से। अब मान लो कि आपने तीन लिंक जोड़ दिया, इस तरह से तीन लिंक जोड़ दिए और कहे कि इनको हिलाओ और मोशन दो। आप कभी ना ऐसा करके देखना, तीन लिंक जोड़ना उसको हिला के देखना, ये एक मैकेनिज्म नहीं रहेगा, ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, ना कि ये एक मैकेनिज्म होगा, ये मूव ही नहीं करेगा। मतलब मूव करने का मतलब कि अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, ये नहीं है कि ये मोशन आगे पीछे चलने लग जाएगा, इसको आगे पीछे करूंगा तो ये भी आगे, पूरा पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा लेकिन इसमें कोई मोशन नहीं आएगा। अब मेरे पास दो लिंक है ये, अब अगर मैं इसके अंदर तीसरा लिंक जोड़ देता हूं, ठीक है, तीसरा लिंक जोड़ देता हूं, यहां पे ये लिंक जोड़ दिया मैंने, देखिए तो ये तीन लिंक जोड़ रहा हूं, ठीक है, तो जब ये तीन लिंक जुड़ जाएंगे ना तो ये देखो ये तीसरा लिंक जोड़ रहा हूं, ठीक है, ये आप घर पे कर सकते हो, ये देखो अब ये एक मैकेनिज्म नहीं रहा, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं इसको मूव करता हूं ना, तो इसको मूव करता हूं तो दूसरा ये नहीं है कि मैं फोर्स ट्रांसमिट की उसने फोर्स आगे दी, ये पूरा स्ट्रक्चर मूव करेगा अगर करेगा तो ये एक मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप फोर बार में देखते हो ना, फोर बार चेन में इस तरह से यहां से फिक्स कर दे नीचे, और इसमें मोशन जब देते हैं तो इसको मोशन देंगे तो इसको मोशन मिलेगा आगे, जब इसको मोशन देके आगे मोशन मिलता तो स्पेसिफाइड मोशन मुझे मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो रिक्वायर्ड मोशन मुझे मिल गया। ये चार जुड़ गए, अब ये फोर बार मैकेनिज्म बन चुका है, तो ये देखो इसको मैं फोर्स ट्रांसमिट करूं, देखो ये फोर्स ट्रांसमिट हो गया, यहां से करूं हो गया, तो ये फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। जब इस तरह से फोर्स ट्रांसमिट होता है तो ये क्या है हमारे पास, एक मैकेनिज्म है, तो फोर बार चेन मैकेनिज्म बन चुका है ये। तो इस तरह से आप मोशन ट्रांसफर कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था ऐसा, तो जो मुझे चाहिए वैसा मोशन मुझे मिले और मशीन एलिमेंट्स स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाऊं तब उसको हम एक मैकेनिज्म कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे स्ट्रक्चर, कि मुझे नहीं मिल रहा ये मोशन, मुझे नहीं मिल रहा ये एक स्ट्रक्चर है। या एक और क्या हो सकता है कि आपने इस तरह से पांच जोड़ दिए एलिमेंट, इस तरह से आप कभी करके देखना, इसको पांच एलिमेंट जोड़ दिए, जब इस तरह से जोड़ोगे इसको मूव करने की कोशिश करोगे ये नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, ये वाला एलिमेंट है वो नीचे गिर जाएगा, तो आप करोगे यार ये नीचे गिर गया एलिमेंट, मैंने तो मोशन लेना था इससे, तो मोशन नहीं मिल रहा। तो ये अलग से कैटेगरी आ गई जिसमें ये मैकेनिज्म नहीं है ना स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे अनकंस्ट्रेंड मोशन में आया था। तो अगर पांच जुड़ गए, अगर मैं इसको कहता हूं कि मोशन ट्रांसफर कर मेरे भाई, इसको मैं आगे मोशन के ट्रांसफर करने के लिए काम लेता हूं, तो देखो ये ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। तो ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, ये फॉर्मूलाज डिसाइड करेंगे कि कौन मैकेनिज्म बनाए कौन नहीं बनाए।
तो इवन आप इसको देखोगे ना ऐसे ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो इसको जब आप वर्टिकली खड़ा करते हो तो ये इवन गिर जाता है यहाँ अंदर अंदर की ओर। तो आप ये मोशन सही नहीं है हमारे पास, तो इससे आप मैकेनिज्म को समझ सकते हो इजीली से। तो कंस्ट्रेन मोशन क्या होता है, लिंक्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ मैं अगली वीडियो में आपको बता दूँ। तो ये हमारे पास मोशन जो मैकेनिज्म है उसकी हमारे पास मोशन के हिसाब से एक डेफिनेशन थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक चेन उसके बारे में सारा कुछ डिफाइन करूंगा।